हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज हम आपके लिए एक नई एप्लीकेशन लेकर आए हैं, जो है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी आपके फादर का ट्रांसफ़र हो चुका है किसी और सिटी में, अब आपकी जो एडमिशन है वो नए स्कूल में होगी। तो पुराने वाले स्कूल से आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, यानी आपको स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको नए स्कूल में देना है, जिसके कारण आपकी वहाँ पर एडमिशन हो सके। तो ये क्लासेस 3rd से लेकर 6th तक के सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये एप्लीकेशन हम इंग्लिश में लेकर आए हैं और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इस एप्लीकेशन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं उन सभी की हिंदी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप इस एप्लीकेशन के ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वॉचिंग दुग्गल एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी है तो उसमें हमने आपको बताया है, हम फिर से आपको बता देते हैं कि जब आपको इंग्लिश की एप्लीकेशन अब शुरू करनी है 2020 में, तो आपको आपकी जो नोटबुक है या आंसर शीट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से इसे शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू, फिर लिखना है द प्रिंसिपल, और फिर आपको अपने स्कूल का नाम, जैसे हमने लिया है गवर्नमेंट मॉडल स्कूल जो कहाँ पर है, जो चंडीगढ़ में है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल स्कूल लिखा है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, और उसके बाद जहाँ पर आपकी लोकेशन है, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर वो स्कूल है वो लिखना है। अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आपको सर लिखना है, और अगर मैम है तो आपको मैडम लिखना है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखना है। आगे आपको एप्लीकेशन शुरू करनी है, तो आपको बताना है कि आपके फादर का ट्रांसफ़र कहाँ पर हुआ है, और आप कब जा रहे हैं, और आपसे स्कूल जो सर्टिफिकेट है वो लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आई बैग टू से डैट माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड। यानी मैं पूरे सम्मान के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फादर हैं उनकी बदली हो गई है, यानी ट्रांसफ़र हो गई है। वी आर गोइंग टू दिल्ली, यानी वो कहाँ पर हुई है, वो यहाँ हुई है दिल्ली में, और हम सभी वहाँ पर जा रहे हैं। तो बच्चों, जहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है दिल्ली, तो आपको जो भी मन करे, यानी जहाँ पर आप बताना चाहें वहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, Kindly issue me school leaving certificate, कृपया करके आप मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र दें। I shall be thankful to you for this act of kindness, आपकी इस दया के कारण मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद आपको इसको एंड करना है एप्लीकेशन को, और एंड करने के बाद आपको क्या लिखना है, Yours obediently, आपका आज्ञाकारी, लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको अपना नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है लक्ष्य, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी क्लास लिख सकते हैं, अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, और जिस दिन आप स्कूल में सबमिट करेंगे ये, वो डेट यहाँ पर लिखनी ज़रूरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको आनी बहुत ज़रूरी है। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं जो आपके लिए हमने सेलेक्ट की है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है रिस्पेक्ट, जिसका मतलब है सम्मान। उसके बाद है गोइंग, यानी आप जा रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र, तबादला या बदली। उसके बाद ईशू, यानी स्कूल से जो आप ईशू करवाएंगे सर्टिफिकेट, जारी करना। काइंडली का मतलब है कृपया, काइंडनेस का मतलब दया, थैंक्स का मतलब धन्यवाद, और सर्टिफिकेट का मतलब प्रमाण पत्र। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, रिस्पेक्ट सम्मान, गोइंग जा रहे हैं, ट्रांसफर्ड बदली, ईशू जारी करना, काइंडली कृपया, काइंडनेस दया, थैंकफुल धन्यवाद, और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीख पाए हो, तो इस वीडियो को आपको लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट करना है, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।